उस दुष्ट रावण ने जटायुओं को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। ये सब क्या है? स्वामी, स्वामी, किसने किया ये? बाबा संभालो स्वयं को, पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे, मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया, अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो मनाओ मैया को ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी, जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो, जे सब चल क्या रहो है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो, क्या चल रहा है, बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय है। जे आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा। क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिखतो, पर देखो कितना अच्छा अभिनय कियो कान्हा ने, बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल।
पाप। यशोदा कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई, कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था हा? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो जे बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा, और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखे। यशोदा सोचो, जब ये बाहर जाएगो तो नदी पहाड़ पशु पक्षी खेत खलियान कितना कुछ देखेगो, आस पास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्र गणों के साथ खेलेगो उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगो इसे, कितना कुछ सीखेगो। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर क्या यशोदा, तुम जे चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आ जाए हो? बताओ यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो तभी इसे उसके बारे में पता चलेगो, तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते हो। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो बाबा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तू तो जे ही विशेष मांग रहा था पूजा के समय। स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। बाबा भैया मुझे सच्ची में बाहर जाने तो देगी ना? यह आशंका तो मुझे भी है काना, कि कहीं तेरी मैया का हृदय परिवर्तन ना हो जाए। काना जी ले रख ले। ये क्या है? कछु अधिक ना है, फल रखे हैं।
पर फल की क्या हो सकता है, निकट ही तो जा रहे है, भूख लगेगी तो आ जाएगी। इसे अचानक से भूख लगी आई तो, और इतने के जो नियंत्रण ना रख पाया तो अब... रहने दो बाबा, मैया का प्रेम उमड़ रो है, फलों के चक्कर में कहीं मुझे भी ना रोक दे। हाँ हाँ उचित है, कारण ले जा, ले जा। रुक, अब क्या होगा मैया? मैं तुझे जाने ना दे सकती। जो सोचा था वही हो रही है। रुक जा। तेरे दाऊ को तो आ जाने दे, तुझे अकेले ना जाने दे सकती मैं। चलता ना मैया, अब तो जाऊं। हाँ जा। पहले छोड़ो तो मैया, फिर तो जा पाऊंगो। जा। कान्हा, किसी अपरिचित से बात मत करियो और अपने दाव के साथ ही रहियो। अरे तुम कहाँ चली? वो लल्ला। लल्ला को जाने दो। देखो यशोदा, यदि आज तुम उसके साथ चली गई ना तो कान्हा सदैव तुम्हारे आंचल पर निर्भर रहने के लिए विवश हो जाएगा। अपनी आंचल की छाओं से बाहर निकलने दो उसे। थोड़ी धूप भी आवश्यक होती है ना स्वास्थ्य के लिए। हाँ? वैसे ये ना तो खेल का स्थान जहाँ सब जन खेलने आते हैं, पर अभी तक तो यहाँ कोई आया ही ना। क्योंकि कान्हा अभी तक तूने किसी को बुलाया ही नहीं। ओ हाँ, श्रीदमा, वसंता, वसंता कहाँ गो? अरे ऐसे भाग के आने की क्या हो सकता थी? और दिया कैसे? अब मैं तुम सबके साथ कहीं भी खेलने जा सकता हूँ। जय वीरापाल! लगता है स्वामी की चेतना वापस लौट रही है।
ऐसा तो मैं बाहर जा रहा हूँ। किसे ढूंढ रहे हो काना? हम सब तो यही है। पता है मुझे, पहले दिन है ना आज लल्ला को, तुम्हारे लिए तो बड़ी कठिनाई से बीता को जे दिन। अधिक मुस्कुराने की आवश्यकता ना है, मैं ठीक हूँ। और ऐसा भी ना है कि मेरा किसी कार्य में मन ना लग रहा, वो तो छोटी मोटी भूल हो जाती है ना कभी कभी। छोटी माँ की स्मृति आ रही है ना, मैया का घर पे मन ना लग रही होएगो। ना ना, तो अवश्य ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष बना रही होगी। तो हम भी कुछ बोला क्या? क्या क्या तो हम भी कुछ विशेष बनाए। पहले खा लो फिर बोलो। गोकुल का राजकुमार आज पहली बार बाहर खेलने आयो है, इसका महल बनाते हैं। हाँ, उत्तम विचार। बनाएगा। महल बनाने से पहले भूमि को समतल करना पड़ेगा। हाँ तो चलो। स्वामी
ठीक तो है ना? स्वामी, स्वामी, स्वामी। अब महल बनाना आरंभ करते हैं और अब हमें रेत की आवश्यकता होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं ले आ